हेलो एवरीवन, वेलकम टू ताशास किचन। और आज ताशास किचन में बन रही है बहुत ही मज़े की ओरियो बिस्किट आइसक्रीम। अगर आपके बच्चों को ओरियो बिस्किट पसंद है तो डेफिनेटली दे विल लव दिस आइसक्रीम। चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं ओरियो बिस्किट के पैकेट। इसी में हम इसी को क्रश करेंगे क्योंकि हमने इन रैपर्स के अंदर ही अपनी आइसक्रीम को बनाना है। तो सबसे पहले हम अपने बिस्किट्स को क्रश कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने सारे बिस्किट्स को क्रश किया, अच्छा मैंने यहाँ पर 20 वाला पैकेट लिया है। अगर आपने छोटा पैकेट लेना है तो छोटा भी आप ले सकते हैं, 10 वाला भी, वट एवर आपकी मर्जी है, ठीक है। इसी के अंदर हम इसको क्रश करेंगे और फिर इसके बाद हम आइसक्रीम भी इसी के अंदर ही बनाएंगे। तो सारे पैकेट्स को हम अच्छी तरह से क्रश कर लें, आपकी मर्जी है। अगर आप इसको थोड़ा मोटा मोटा क्रश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मोटा भी क्रश कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सीज़र से आपने एक साइड कट करनी है, ठीक है। एक साइड कट की उसके अंदर हम मिल्क ऐड करेंगे। देख लें, अगर आपने फ्रेश मिल्क ऐड करना है, इसके अंदर कोई सा भी हम मिल्क ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर मिल्क पैक का मिल्क यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसके अंदर मिल्क, हमने बहुत ज़्यादा इसको मिल्क ऊपर तक नहीं भर देना, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर मिल्क डालना है कि जस्ट हमारा बिस्किट जो है वो अच्छे से डिप हो जाए, ठीक है। उसके अंदर हम साथ ही आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे और इसका साइड पे किसी भी ग्लास में या कप में आप इसको साइड पे रख दें। इसी तरह से बाकी सारा प्रोसीजर भी हम करेंगे। सेकंड आइसक्रीम को भी इसी तरह, मतलब जितने भी आप पैकेट यूज़ कर रहे हैं सबको हम इसी तरह से कट करेंगे, आइसक्रीम स्टिक लगाएंगे और रखते जाएंगे, ठीक है। एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखें, अगर आपने जार में बनानी है तो फिर इसके लिए आपको रैपर की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपल क्रश कर सकते हैं ग्राइंडर में या किसी और चीज़ में, तो उस तरह से भी आपकी बहुत मज़े की आइसक्रीम बनेगी अगर आप मोल्ड में बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह से बनाना चाहते हैं तो ये तो बहुत ही ईजी वे है टू प्रजेंट और टू ईट, सीरियसली। चलें जी, इस तरह से सारे हमने अपने बिस्किट्स को, चारों पैकेट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक्स लगाई और इसको हम 6 to 8 आवर्स के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे रेडी हैं। यहाँ पे हमने फ्रीज़र में रखी 8 आवर्स के लिए और इसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से, बहुत ही अच्छी सी आइसक्रीम बन गई है। यहाँ पर देखिए, मैं सारी आपको निकाल कर दिखाती हूँ वन बाई वन। मैंने नीचे पहले एक बॉल में आइसक्रीम रखने से पहले आइस क्यूब्स डाली थी, ठीक है। आइस क्यूब डालने से ये फ़ायदा होता है कि इससे ना जल्दी से आइसक्रीम मेल्ट नहीं होती। तो यहाँ पर मैं सारी अपनी आइसक्रीम्स निकाल के आपको दिखा रही हूँ। वाओ, सो यमी। अच्छा जी, ये वही चॉकलेट सॉस है जो होममेड है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जाकर आइसक्रीम सिरप के, चॉकलेट सिरप के नाम से मेरी रेसिपी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अच्छा, एक ग्लास में मैंने चॉकलेट डाली और उसमें मैंने डिप की आइसक्रीम और ये देखें, हमारी चॉकलेट कोटिंग भी हो गई। वाओ, कितनी अच्छी मज़े की लुक आ रही है। अच्छा, इसी तरह से हम सारी आइसक्रीम्स को चॉकलेट में डिप करेंगे और साइड पर रखते जाएंगे। इसके बाद फिर हम प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं चॉकलेट, और इसके अंदर अगर आप कोई नट्स यूज़ करना चाहते हैं लाइक आलमंड्स या फिर कोई और पिस्ता वगैरह, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसी चॉकलेट में डालते हैं और फिर साथ साथ आप डिप करते जाएं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए, फॉर 15 to 20 मिनट्स के लिए मैं फ्रीज़र में रखें। और ये देखिए, अब मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े की ये होममेड आइसक्रीम है। मैंने कोई मोल्ड यूज़ नहीं किया और ना ही इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मैंने फॉलो किया है। सिंपल वे में मैंने आपको बनाना सिखाया है। दिस इज़ वेरी ईजी, वेरी क्विक टू मेक। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। टेक केयर।